So very good morning. I'm at the clock tower in Lando, and this is day 2 Mussoorie. As you can see, it's a beautiful clock tower here. And this kind of buildings also carries a lot of historical significance. Those are from the British era. Very good morning, all of you, all my viewers, my friends, and I'd like to introduce Mr. Jahid. He is a well-known carpenter here, and he has agreed to meet me, and I just came from Mussoorie. It was a kind of a 1.5 kilometer walk, uphill walk, so I just met him, and we just gonna interview him. He is a renowned carpenter here, and he is the last generation of carpenter who can make amazing sticks, walking sticks, you know. And let's go to his house and see how we, you know, make those magical sticks which people love here. Welcome, Akka. Thank you. आज भी नहीं है मसूरी का कोई उद्योग, लेकिन ये जो है एक्सपोर्ट पे होता था। अच्छा। इस टाइम मैंने शुरू करा सन 64-65, तो उस टाइम पर एक यही था मसूरी में, ये लंडौर बाजार मेन मसूरी है, लंडौर। यहाँ पर करीब करीब 15-20 दुकान जो हुआ करते थे, ओनली वॉकिंग स्टिक्स। बट समय के हिसाब से घटता चला गया जी, लगभग 100 कुछ कारीगर हुआ करते थे पहले आपके पास। हाँ, मतलब पूरे पूरे मसूरी में। तब तो मतलब मेरी एज छोटी, कम था, उम्र छोटा था मैं, और बहुत थे, हर कास्ट के होते थे। तो तभी काम ये शुरू करा था मैंने 64-65। होते कोई भी कारीगर नहीं है, ना कोई रॉ मटेरियल है, ये बस ये है कि इस एज में आके करे भी क्या। बिल्कुल। इसलिए इसको जीवित भी रखा हुआ है, थोड़ा सा खर्चे भी तो है ही है। यही है कि किसी तरह से जब तक भी मैं हूँ तो ये काम जीवित रहे, क्योंकि ये मसूरी का आर्ट है, मसूरी की पहचान है। ये कहीं भी मैं जाता था तो अक्सर लोग बात करते हैं, बैंगलोर गया वहाँ पर एक दफा, तो मैंने कहा भाई कहाँ से आया, मैंने मसूरी से, मसूरी का जगह जहाँ वाकई, तो वो वाकई सिर्फ से एकदम पहचान गया। ये अच्छा, आपके आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। मैं ये सब चीज़ देख रहा हूँ, आप जो जैसे करते हो इसको दिखाऊंगा, मतलब आप जो तैयार करोगे। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ थोड़ा, आप इफ यू डोंट माइंड, मतलब आपके बारे में। पर्सनल लाइफ क्या है, आप सोच सकते हैं, जब मैं 64-65 में काम शुरू करा तो बहुत कम एज रही होगी 1964 में। तब आपका उम्र क्या था जब आपने शुरू किया? 9-10 साल के लिए। अच्छा, और आप सीखा कहाँ से, मतलब ये जो मसूरी दर्पण होटल है। हाँ, अच्छा, वहाँ पर गवर्नमेंट का सेंटर हुआ करता था। ओके, 1964 में। ओके, तो उस जमाने में हम गवर्नमेंट की तरफ से जो है सीखने वाले बच्चों को 20 रुपीस पर मंथ मिलता था। अच्छा, 20 रुपीस पर मंथ। 20 रुपीस। ओके, 20 रुपीज़ बड़ी अहमियत रखते थे, बहुत थी उस टाइम पे वो 20 रुपीज़ की। 20 रुपीज़ कमाता है तो घर में फैमिली भी है, नहीं कहीं कमाने वाला है। जी जी जी। तो आज ये है कि तो कितना भी हो जाए कुछ ही नहीं है जी। ओवन पीस में बनाता हूँ, जैसे ये फट्टा है। हाँ। इसमें से निकाल के जिस तरीके से ये थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि लकड़ी मेरे पास टाइम है ना, लकड़ी नहीं मिलती। लकड़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें से इस तरीके से पीस, अच्छा, ये वन पीस में निकालते हैं। वन पीस में निकालते हैं और
कोई इसमें मशीन का काम नहीं है। हाँ। आप जैसे पूरा हैंडवर्क हैंडवर्क आप ये औजार यूज करते हो बेसिकली। आपको कितना टाइम लगता होगा एक ऐसे लकड़ी बनाने में अकेला? पूरी गजी पहले हम पूरा पीस निकाल लेते हैं फट्टे में से। हाँ। दस बारह फिर उसके बाद कार्विंग में जो है मेरे को पूरी स्टिक बनाने के लिए एक से डेढ़ घंटा लगता है। अच्छा। फिर वैसे कार्विंग के ऊपर है जैसे जैसे डिजाइन होता है उसके हिसाब से उसमें टाइमिंग लगती है। तो बहुत से डिजाइन ऐसे है कि लगभग दिन भी लग जाता है। दिन भी लग जाता है। मैंने 95-96 में नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। तो उस जमाने में बड़े थोड़ी उम्र अच्छी थी तो भागदौड़ भी थी। तब भी दो तीन जो पीस मैंने वहाँ भेजे थे तो एक पीस लगभग मैंने उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव हाँ। उनके लिए स्पेशली बनाया था। अच्छा। तो मेरे ख्याल पहली बार ही हुई थी ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट वाले कांसलैन दिल्ली तो उसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ था। उनके लिए जब पीस वो बनाया था लगभग 10-12 दिन में बना था। 10-12 दिन लगा उसमें। तो जैसे जैसे काम होता था वर्किंग के ऊपर है। फिर आपने जो ये जो कला आपने एक्वायर किया जैसे आपने सीखा तो इसको आपको नहीं लगता कि इसको पास इसको दूसरे जनरेशन को? मैंने बहुत कोशिश करा, बहुत कोशिश करा जी। 84-85 में जो है यही दुकान हुआ करती थी तो थोड़ी सी उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से भी था कि भाई जो है सेंटर खोले जाए बच्चों को। तो लगभग 20-22 लड़कों को मैंने काम सिखाया और भी बहुत है जिन्हें काम सिखाया लेकिन आज के टाइम में वह है कि इसमें औसत नहीं आता। मतलब एक तो उतना डिमांड नहीं है आप जो बोल रहे हो। शायद डिमांड हो भी तो पहुंच भी नहीं पा रहे चीज पहुंच नहीं पा रहे। डिमांड की नहीं है प्रॉब्लम। डिमांड की प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पहले तो कारीगर जितने भी होते थे तो एक्सपोर्ट में चला जाता था। अब लोकल डिमांड भी अच्छी है जैसे हरिद्वार है शिमला है नैनीताल है दिल्ली है। जब काम था तो मैं ये सब जगह जाता था। एग्जीबिशन भी करी है। अच्छा। एग्जीबिशन भी करी है गवर्नमेंट के उस पे। मैंने नेशनल अवार्ड का करा था सूरज कुंड भी करा है कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ में इसके कई एग्जीबिशन करी है। अच्छा। उस जमाने में गवर्नमेंट से भी मिलती थी वो क्राफ्ट मैन को बुलाते थे वो लोग डीए सब कुछ भी देते थे। अच्छा। अभी ये सब खत्म हो गया अपने लिए। एग्जीबिशन में गए सेंटर ले लो तो 1000 रुपये लेते माल बिके ना बिके तो दिक्कत है। अभी आप जैसे गवर्नमेंट का हेल्प अभी उस हिसाब से नहीं है कुछ तो दिलचस्पी भी नहीं रही। हाँ। जहाँ भाग दौड़ करे फिर मेरी लाइफ कुछ ऐसी रही पढ़ाई लिखाई नहीं तो वर्किंग जो कागज वर्किंग नहीं हो सकते किस किस के पास जाए क्या करें जी। जिस टाइम मैंने नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई करा था दो बार करा 94-95-96 दो बार करा और बाय बैड लक नहीं सक्सेस नहीं। वो तो ठीक है लेकिन इस कला को अगर मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कुछ इसको इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ करे या पब्लिक का भी इंटरेस्ट हो तो शायद इसको फिर से मतलब प्रॉब्लम यही है कि इसके लिए जो है रॉ मटेरियल नहीं मिलता जो हमको चाहिए लकड़ी वो नहीं मिलता जैसे लकड़ी का प्रॉब्लम मेन है। उसके बाद फिर कारीगर बनाने की तो कोई दिक्कत नहीं है कारीगर तो फिर हो जाता है जहाँ नगीने कर रहा है इतने कर रहा है सहारनपुर काम कर रहा है तो अब हो जाता है। सहारनपुर में भी बहुत सारे लोग हैं जैसे काम करते हैं ऐसे सहारनपुर लेकिन सहारनपुर में मेरे अपने काम की डिमांड है। अच्छा
आपको ऑर्डर कहाँ कहाँ से आता है अभी, जैसे मेनली कौन कौन से जगह से मिलता है? मैं जितना करता हूँ वो तो लोकली मॉर्निंग वॉक में ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल, डिमांड इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। और बुजुर्गों के लिए ये काफी वॉकिंग स्टिक आपका ये हेल्पफुल होता है। तो आप ऐसे मतलब आपके आपको शॉप में देने के बाद कितना कैसा परसेंटेज आता होगा प्रॉफिट आपके पास, मतलब आफ्टर यू नो इफ यू डिडक्ट ऑल द रॉ मटेरियल आपका आपका लेबरी जो भी? अभी इसमें क्या बताए, कुछ नहीं, मैं पूरा जोड़ने लगूं तो लेबर भी नहीं निकलने की। अच्छा, ऐसा हाल है। बाकी ये है कि आपसे बताया ना कि सिर्फ इस आर्ट को जीवित रखने के लिए। हाँ सर, आपका मकसद यही है। हाँ, कि इसको बचा के रखे। हाँ, क्योंकि ये मसूरी की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। और मसूरी से जो है कोई भी टूरिस्ट आता है, पहले पहले जो लोग बड़े अच्छे रॉयल फैमिली के आते थे तो वो खास करके स्टिक जरूर ले जाते हैं। अच्छा, तो जरूरत के हिसाब से ले जाते हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये है, ये तकलीफ होने लगी है। बिल्कुल, उस हिसाब से लेते हैं। जैसे मानो कि ऐसा एक स्टिक आपका आपको फिनिशिंग करने के बाद कैसा कीमत आएगा इसका? इसका जो है ये मेरा होलसेल में 150 रुपए का जाता है इसका। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी बेटी। ओह, नाइस टू मीट यू मैम, नाइस टू मीट। आपका क्या नाम है? रेशमा। रेशमा, अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर बालकनी है आपका, ब्यूटीफुल। This is your sitting area. अच्छा, आप काम यही करते हो? नहीं करता हूँ, दो लड़के हैं मेरे। अच्छा, आपके दो, आपके दो शागिर्द हैं? नहीं नहीं, लड़के बच्चे। अच्छा, आपके बच्चे। हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी, मतलब आपके दो बेटे हैं? दो बेटे हैं, एक बेटी है। हाँ, बेटी से मिला। बेटे कहाँ रहते हैं आपके? काम पे गए अपने। अच्छा, वो क्या करते हैं? है, एक तो यही दुकान है, आगे जाके बर्बर शॉप। अच्छा, और दो किताब घर, एक छोटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका आपका उम्र अभी की कितना हुआ? व्हाट्स योर एज? 64-65 हुआ। तो आपको क्या लगता है, ये आप अगर मानो कि ये काम छोड़ दो तो मसूरी में तो कोई बचेगा नहीं, नहीं ये कोई, करने का तो फिर इसको मतलब काफ़ी इमोशनल मैं मुझे भी फील हो रहा है कि आप लास्ट जनरेशन के हो ना, तो मुझे लगता है कि इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे दर्शक के माध्यम से कि आपका ये कला पहुंचे लोगों के पास और लोग आपको ऑर्डर करें। मैं नंबर भी डाल दूंगा वीडियोस में कब के लोग ये देखे। और आपको मतलब बहुत बहुत थैंक यू। एक तो थैंक यू भी बहुत छोटा बात है, आपने अपना घर दिखाया, अपना अपने बारे में बताया। और मैं चाहूँगा कि लोग आके आपके पास मिले और आपके कला से कुछ सीखे आपसे, क्योंकि आप बहुत पुराने एक हिस्ट्री को सामने लाए हो आप। उस टाइम पे 1960s में जैसे आप रॉयल फैमिली से मिल रहे थे, आपने अवार्ड सेरेमनी के लिए अप्लाई किया, शिक्षा मंत्री। हाँ हाँ, ओके। अच्छा, ये कब का बात है? 2000 डेट लिखा हुआ है उसमें। हाँ, ये है आपका 2010 में है, 2010 लिखा है। अच्छा, ये आए थे ये पहले जब मेरी दुकान थी। अरे अच्छा, ये अच्छा, दोनों ये बेटी है। अच्छा, ये दोनों बेटे हैं। वाओ, ये आपकी बेटी जिनसे मैंने मिला। अच्छा, और आपके दो बेटे। दो बेटे। अच्छा अच्छा, ये कब का हुआ आपका? ये भी बहुत पुराना है।
ये तो बहुत साल पहले का है। ये आपका शॉप हुआ करता था तब? ये कहाँ पे था शॉप आपका? ये ऊपर घर से ऊपर ही जीने के। अच्छा 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 अच्छा, जीने के ऊपर एग्जीबिशन का है। अच्छा, आप हो ये? ये मेरा भतीजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाओ, ये कुल्लू का है। कुल्लू से? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा देखने में। मतलब एक टाइम पे था इसका बहुत डिमांड भी था, और मतलब लोग भी बहुत प्रोत्साहित करते होंगे ना, क्योंकि आपने कितना बना के वहाँ पे। जी जी जी, इट्स अ डाइंग व्हाट यू कॉल आर्ट राइट नाउ, आई मीन इट्स अ डाइंग व्हाट आई कैन से। ये सारा पूरा हाथ का ही है। दिस हैंडीक्राफ्ट थिंग शुड बी प्रमोटेड बाय मेनी वेरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड सीइंग द photo, you know, I can tell one thing is this used to be a very popular item, you know, the sticks, especially handmade sticks. So it's quite an emotional moment, you know. Yeah. इसको क्या बोलते हो? कटिंग का, कटिंग का ही है जैसे मेजरमेंट। ये मार्केट में नहीं मिलता, ये सारे लोग कटिंग के है। हाँ। डिजाइन बनाने हाँ। वो सब अपने हाथ से बनाता हूँ। हाँ। टाइलिंग जो है बाजार से। Thank you.
So this is the almost the final stage where the design comes to reality. And it's incredible to see this kind of artistic hands, you know, is about to finish. This is the last generation that you can see. It's the last generation of carpentry. This magic hands is one of the last in this generation. Beautiful. Beautiful, beautiful. मतलब आपने एक लकड़ी को अपने हाथों से उसमें मैजिक डाल दिया, उसमें अपना हार्ट उसमें डाल दिया ना, इसको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ हैंड्स, यू नो, दिस काइंड ऑफ वाओ, this kind of artistic work should be admired by people. I don't know what we are doing, but Mussoorie is known for the sticks, the walking sticks, and he is the guy, you know, who still till date creates these magical sticks with his hands. So I just gonna wrap up the conversation here, and I request all of you, you know, please do visit him, please do visit different artistic shops nearby Mussoorie where he supplies these sticks. You buy it for your parents, buy it for yourself. In case you don't need it, buy it, you know, and place it on the room, and it looks amazing, you know. It can walk well and people can use it as a walking assistance, along with it can be used as a showpiece as well. So आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए, और मैं नहीं नहीं ये तो मेरा ड्यूटी है कि लोग तक आपका काम पहुँचे, अपने अपना लाइफ के बारे में बताया, और मैं चाहूँगा लोग देखें और ये चीज़ लोगों के पास पहुँचे, लोग Mussoorie को नई तरह से जाने. आपने कुछ नया आईना दिखाया लोगों को. आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और आपके फैमिली को भी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये चीज़ बरकरार रहे, लोग आगे प्रोत्साहित आगे आए इसको लेके. पीपल शुड बी एनकरेज्ड. सर जी, कब से कर रहे हो ये दुकान आप? ये तो बहुत टाइम हो गया जी. कितना साल हो? 100 साल से पुराना. तो अब कोविड के टाइम में तो दुकान बंद था आपका, काफी दिक्कत आया होगा सभी को. अभी धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, लोग आ रहे हैं वहाँ से, काफी आ रहे हैं. अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम केशव. केशव किशन. किशन, ओके. सो आई हैव किशन जी विथ मी. ही इज ए वेटरन शू मेकर इन Mussoorie. तो सांस ले लूँ पहले. चढ़ाई हो गया. सो आई हैव किशन जी विथ मी. ही इज ए वेटरन शू मेकर फ्रॉम Mussoorie, एंड लॉट ऑफ रेनाउंड पीपल केम टू हिज शॉप, यू नो, टू ऑर्डर हीज और हर ओन शूज, एंड ही इज ए क्वाइट ए artistic guy. I mean, his hands are amazing, you know, how he makes shoes. So किशन जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए, घर में कौन कौन है, आप कब से कर रहे हो ये काम? तो हम बचपन से कर रहे हैं. बचपन से कर रहे हैं. अच्छा, ये 5 साल का आपका फोटो है? 8 साल की उम्र में. हमने 60 उम्र चालू किया. अभी 60, आप सीनियर सिटीजन हो गए. स्टार्टिंग हो गया आपका. तो ये अब जैसे ये 50 प्लस ईयर्स में आपको क्या तजुर्बा हुआ इसके बारे में? लोग अपने जूते बनाने पसंद करते हैं अभी भी? हाँ, जूते बनाना बहुत पसंद करते हैं. हमारे ज़्यादा कुरियर जाते हैं. कुरियर जाते हैं? जी. आप बाहर भेजते हो? जी.
जूते, बस ये हमारे पुराने कस्टमर आते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, हमारे चाहने वाले जो हैं तो उनको कोई दो जोड़े कोई तीन जोड़े ऐसे बनाते हैं हम लोग। अच्छा, दो जोड़े तीन जोड़े बना के। अब हेलमेट वो मिलता नहीं है ना जल्दी से। और इतना का कोई काम करता नहीं है। जी जी, आपको कितना टाइम लगाता है कोई ऑर्डर करे और बनाने में? एक पेयर ऑफ शूज अगर बनाना है तो हम पैसे कम से कम 10 दिन तो लेते हैं। 10 दिन लेते हैं, 10-15 दिन। अच्छा, 10-15 दिन आपको लग ही जाता है। हाँ, तो मतलब ऑर्डर हमारे पे चलता रहता है ना। अच्छा, अब जैसे किसी का ऑर्डर आ गया, हमने दूसरे का काम तैयार करा, फिर किसी का काम तैयार करा, तो ऐसे टाइम के हिसाब से काम लेते हैं। अच्छा, अब काम तो बहुत रहता है करने के लिए, लेकिन काम को करने वाले कम हो गए। अभी धीरे धीरे लोग इसमें इंटरेस्ट भी खो रहे हैं ना? नहीं, लोगों का इंटरेस्ट तो है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे है, लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन उनको क्या है कि हाथ के बने जूते मिलते नहीं। हाँ, लेकिन जैसे आपने अगर काम छोड़ दिया तो आप आपके आपके मानो छोड़ने के बाद कौन करेगा फिर? ऐसे लोग हैं, काम आता नहीं है। आता नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे तो आप ये खत्म हो जा रहा है। ये जो खत्म हो जाएगा, बच्चे हो सकता है रेडीमेड करेंगे। हाँ, करेंगे भगवान जाने। वही तो, अब मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि आप जैसे बना के दे रहे हो लोगों को ना। जी जी, ग्राहक तो बहुत हमसे, सब ग्राहक बोलते हैं आप इस काम को आगे ले जाओ। हाँ, लेकिन बच्चे जो है ना इतना काम सीख नहीं पाएंगे। हाँ, ये तो है। कंपनी में तो एक आदमी एक काम करता है, हम तो पूरे जूते को बना के तैयार कर देते हैं। हाँ, ये लेदर है इधर। ये लेदर कहाँ से मंगाते हो? ये लेदर हमारे पास आगरा से आता है। आगरा से? क्योंकि ये सब कलकत्ता मद्रास में बनता है ना। हाँ हाँ हाँ, कलकत्ता में वो टैंडरी है ना, पार्क सर्कस में। राइट राइट राइट, ये आपका फ्रेम हो गया। ये फ्रेम बस इसके ऊपर आप जी। ये कहाँ से मंगाते हो फ्रेम? ये हम आगरा बनवाते हैं। आगरा से मंगवाते हो? पहले ये उनको सोल देना पड़ता है। हाँ, कंपनी जो सोल बनाती है ना। हाँ हाँ, ये पहले सोल बनाती है। हाँ, उसके बाद ये फ्रेम बनते हैं। अच्छा, जैसा मॉडल होता है ना उस तरीके का सोल, जैसा सोल का मॉडल है ना। हाँ हाँ, उस तरीके के से उस तरीके का फ्रेम फ्रेम बनता है। फ्रेम बनता है जी जी। तो आप ऑर्डर कैसे करते हो? जैसे सोल बना लिया? नहीं, कंपनी से सोल जो आते हैं ना, हम जो हमें सोल कंपनी से आते हैं, कंपनी से सोल आते हैं। अच्छा, हम जो सोल अच्छा लगता है ना, फिर वो हम दे देते हैं फ्रेम वाले को बनने के लिए। तो फिर मैं फ्रेम ये बना के देते हैं। ये देखिए, जैसे ये फ्रेम बना रखा है, इसका टो अलग है, ये फ्रेम बना रखा है, इसका टो अलग है। बिल्कुल, तो ये सब जो फ्रेम जो बनते हैं वो टो के हिसाब से बनते हैं। टो के हिसाब से जी, जैसे इसका जो ना फ्रेम, ये इसका टो है, ये इसका टो है, ये देखिए, ये इस पे फिट आ रहा है। बिल्कुल, तो इस तरीके से बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप जो सोल कहाँ से मंगाते हो? सोल अलग अलग कंपनी का अलग अलग है? ये सोल ज्यादातर आगरा से आते हैं। सोल आप मंगाते हो आगरा से? आगरा से आते हैं, बाकी तो हम जो ना सोल क्या है, हैंडमेड ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, वो भी आप बनाते हो? सोल भी बनाते हो? सोल जैसे ये रबड़ सोल होते हैं ना। हाँ हाँ, इसकी कटिंग करनी पड़ती है, तो इसको जल्दी से कोई कटिंग नहीं कर सकता। ये जैसे रबड़ सोल है ना, इसको पूरा शेप देना जो है ना, इसको हर कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बना लेते हो? हाँ, ये तो अब जैसे ये अपने जो ये तो आपने खरीद लिया। हाँ, इसको आजकल तो यही ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ, तो जो अनाड़ी है ना वो इस काम को कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो ये सोल है इसको कोई जल्दी से लगा नहीं सकता है। हाँ, इसको तो बहुत ही मेहनत, इसमें काट कूट के फिर इसको शेप लगा बना के, इसको शेप देना जो हर किसी के बस की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप 50 साल से कर रहे हो बोल के आपको पता होगा ये कैसे करते हैं। हमारे पिताजी भी इस काम को करते थे, हमारे दादा भी इस काम को करते थे। अच्छा, अब आजकल जैसे ये लेदर है ना, ये वाला, ये जो लेदर है, ये लेदर कोई लगाता नहीं है, ये बफेलो का लेदर है। बफेलो का है? ये मोटा है काफी, ये काफी मोटा होता है। ये तो कभी खराब भी नहीं होगा ना, जैसे वुडलैंड वगैरह शो में ऐसे, ये उसमें भी नहीं मिलता है, उसमें भी नहीं मिलता ना। ये पहले इसी ये जूते चलते थे चमड़े के, चमड़े के, जिसका क्या है कि ये पहले उसमें फौज में चलते थे। अभी तो ज्यादातर ये प्लेन लेदर जो है, अभी कौन सा लेदर ज्यादा पॉपुलर है? लेदर तो सब एक ही होता है बस, आजकल ये जो सब नहीं, ये जैसे आपने बोला ना कि बफेलो का है, ये नीचे सोल में लगता है, नीचे सोल में। हाँ, ये जो है ये लगता है ऊपर, जैसे कैमल का होता है ना, कैमल का कंपनी जो बनाती है, तो आजकल तो उसमें लेदर में बहुत कलर आते हैं। अच्छा अच्छा, ये सब लेदर के कलर, ये देखो पड़े हैं, ये सारे जैसे इटली बन के जाते हैं। ये इटली के, इटली ये ये अज्जू का है वो लेदर, कौन सा? ये देखो, ये सब अलग अलग ये लेदर है ना, ये देखो, ये सब लेदर ही है, ये सब कंपनी पेंट कर देती है इनको। अच्छा, ऐसे भी पेंट करके। हाँ, आजकल जैसे गाड़ियों को कलर आ रहे हैं ना, उस तरीके से।
ये ओरिजिनल लेदर है सर। ये मैंने पहले बार देखा है सर। मतलब रॉ में दुकान में तो देखा ये होगा। ये सब लेदर है। ये देखो ये चप्पल जो लगी है ये सब लेदर है। प्योर लेदर है। हां प्योर लेदर है। ये देखिए ये भी लेदर है। देखिए आपके पास अभी बनाया हुआ लेदर शू वो सब है ना? शू जो है मेनली मेन शू ऐसे उधर है। ये देखिए ये जो बूट बना रखा है ये बना रखा है हमने रबड़ का। इसको जल्दी बनाना मुश्किल वाली बात है। ये देखिए इसका कीमत क्या आएगा अगर कोई खरीदना चाहे मानो तो? ये 2800 रुपए का। ये 2800 बस तो महंगा है ये। और जो चमड़े का सूट लगता है वो ये वाला। ये देखिए ये चमड़े का सूट जो हमने बताया ना आपको। हाँ 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 ये सूट है। अच्छा ये चमड़े। अच्छा अच्छा समझ गया। ये सूट पहले ये जो ट्यूब लाइट में जो बनाए थे ना वो ये जूते हैं जो चमड़े के सोल में ये बने हुए। अच्छा ये आप ही ने बनाया है क्या? ये हमने ही बनाया। सही। कौन सा मूवी में था ये? ये ट्यूबलाइट पिक्चर। ट्यूबलाइट पिक्चर में। अच्छा ये सचिन के लिए बनाया थी। ओ वाओ ये उनके भाई का। सचिन का घर तो ऊपर ही है ना? आते हैं कभी कभी? बस अब तो नहीं आ रहे। आ रहे हैं। अच्छा बढ़िया। नहीं 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 मुझे वो ला बेथनी जाना है। थोड़ा सा काम है। ला बेथनी है ना? ला बेथनी। मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ कोई ये मिल जाए आपका यहाँ से तो कोई ले जाए हमें बाइक बाइक जो भी है। टाइम टैक्सी मिल जाएगी आपको। टैक्सी ऊपर से टाइम बच जाएगा थोड़ा। Can see it's quite a huge, huge Christmas tree we say. So day 2, Landore, and it's quite a remarkable walk I'm having right now on the top of the hills through the forest of Landore, and it was an amazing place, you know, for me for last 2 to 3 years. This is my third time here, and this place can offer you so much of peace and joy to your eyes. It's basically a treat to your eyes, this place, and the quietness around this place makes it special. Once you stay here, you will find out the comfort and the peace around this place. So I just show you a property, a part of La Bethany's new project, and I hope you have enjoyed. So let's go to La Bethany, and basically Sunita is waiting for me, so let's talk to her.